हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड आज की वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर एट चैप्टर एट का नाम है पेजेंट्स जमींदार्स एंड स्टेट देखो इस नाम से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा आ रहा है कि पेजेंट्स जो किसान हैं छोटे लेवल के ज़मींदार्स जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है एंड दे विल दे विल बी कलेक्टिंग द रेवेन्यू वो और स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उस टाइम की गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे वो नार्च बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पे क्या है मिडिवल टाइम पे अब मुगल्स का आने का टाइम पीरियड शुरू हो चुका है तो जो थीम चैप्टर की है दैट इज़ अग्रेरियन सोसाइटी आन द मुगल एम्पायर अग्रेरियन वर्ड रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर की सोसाइटी यानी कि विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे और मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे राइट right? तो उस समय पे क्या था ज़्यादातर लोग विलेजेस में रह रहे थे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 85% परसेंट लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते थे ठीक है तो हम रफली ऐसा कह सकते हैं इस चैप्टर में हम मुग़ल एम्पायर के अंडर जो सोसाइटी जैसे काम कर रही थी दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लुक हियर इन दिस चैप्टर और टाइम पीरियड क्या है सिक्सटीन सेंचुरी एंड सेवनटीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी का मतलब फ़िफ्टी हंड्रेड वन टू सिक्सटीन हंड्रेड अब फ़िफ्टीन हंड्रेड वन रफली जो है ये वाला जो मुगल एम्पायर है वो कब से शुरू होती है फ़िफ्टीन ट्वेंटी सिक्स से जब जो बाबर हैं ही अनेक्स दी एरियाज़ ऑफ इंडिया एंड ही एस्टैब्लिशेस दी मुग़ल एम्पायर राइट तो तब से लेकर सेवनटीन सेंचुरी यानी कि सेवनटीन हंड्रेड तक पर उससे थोड़ी सी आगे जाएंगे जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 हंड्रेड सेवन के अंदर तब जो है मुग़ल एम्पायर थोड़ी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो है हम ये पढ़ने जा रहे हैं फिफ्टीन हंड्रेड वन टू सेवनटीन हंड्रेड के बीच में कैसी हमारी सोसाइटी थी दैट इज़ आर एरिया ऑफ स्टडी टुडे तो अभी हमारा एग्रेरियन रिलेशनशिप कैसे थे रूलर सोसाइटी के अंदर रूलर सोसाइटी के अंदर दो मेनली ग्रुप्स थे फर्स्ट ग्रुप वाज लैंडेड लैंडेडिलीट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और दूसरे हैं पेजेंट्स जो कि ज़मीन पर काम करके अपना लाइवलीहुड कमाया करते थे राइट right? तो आपकी तीन तरह के रिलेशनशिप है इन दोनों ग्रुप के अंदर हैप्पी फेस सिग्निफाइज कॉपरेशन कॉपरेशन थी इन दोनों के बीच में कई मामलों में फिर कंपटीशन था कई मामलों में अ सैड फेस सिग्निफाइज कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत थे तो ये दोनों जो हैं पेजेंट्स और लैंडेड अलीट्स में ऐसा नहीं था कि कॉन्फ्लिक्ट ही थे या कॉपरेशन ही थी इट वाज मिक्सचर ऑफ थ्री फैक्टर्स अब ये जो विलेज सोसाइटी है दैट वाज नॉट आइसोलेटेड इसका बाहर से बहुत सारे इंटरैक्शन होते थे जैसे मुगल स्टेट यानी कि जो मुग़ल किंग है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एजेंट्स भेजा करती थी इन विलेजेस। एजेंट्स कौन कौन से रिवेन्यू असेसर्स यानी कि जो ये पता करेंगे आपकी सॉइल की क्वालिटी को देखकर आपके प्रोड्यूस को देखकर कि आपको कितना रिवेन्यू जमा करना है दूसरे कलेक्टर्स जो उसे लेने आएंगे कि रिवेन्यू अब आप आपको डिपॉजिट करना है तीसरे रिकॉर्ड कीपर्स भेजा करती थी विलेज में जो कि एक हिसाब अपना बनाकर रखती थी मुगल स्टेट को सबमिट करने के लिए अब विलेज जो हैं वो टाउन से भी कनेक्टेड थी थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेड ठीक है ट्रेड जो है वो बहुत होता था तो अभी आपने पढ़ा अबाउट द अग्रेरियन रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड द रूलर सोसाइटी कौन कौन सी रिलेशनशिप्स थी जिसके अकॉर्डिंगली रूरल सोसाइटीज़ जो हैं वो उनका क्रिएशन हुआ था अब सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका पेजेंट्स एंड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ योर चैप्टर जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इसके अंडर चार सब टॉपिक्स हैं सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो पेजेंट्स हैं और ये जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो रही है वो हमें कहाँ से पता चल रहा है एक्चुअल में कि ये सारी चीज़ें जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन से सोर्सेज से हमने उठाया है ठीक है सबसे पहले हम सोर्सेस पढ़ेंगे फिर हम पेजेंट्स पढ़ेंगे और उनकी लैंड के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद इरिगेशन के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में कि हम कहाँ से सिंचाई करते थे क्या सिर्फ मानसून के ऊपर हम डिपेंडेंट थे मतलब बारिशों के ऊपर ठीक है टेक्नोलॉजी किस तरीके की मुग़ल एम्पायर में यूज़ की जा रही थी एग्रीकल्चर में तो आपको दो चीज़ें इस चैप्टर में एज अ थीम याद रखनी है नंबर वन मुगल एम्पायर सेकेंड है विलेज या फिर विलेज की सोसाइटी या फिर मुगल एम्पायर के अंडर की सोसाइटी तो मुगल एम्पायर के अंडर जो एग्रीकल्चर होता था उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही थी फोर्थ टॉपिक होगा कि हम कौन कौन सी तरीके की क्रॉप्स जो है वो उगा पा रहे थे मुगल एम्पायर के अंडर राइट तो सबसे पहले हम सोर्सेज वाले टॉपिक पर जा रहे हैं अंडर द मेजर टॉपिक पेजेंस एंड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइट तो सोर्सेस का पता करें अगर हम देखो सबसे फर्स्ट वर्ण मैंने हर टॉपिक को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट यू कैन मेमराइज इड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन आंसर ठीक है तो सबसे पहले आप लिखोगे कि देखो पेजेंट्स जो हैं वो कुछ भी लिख के नहीं गए हैं जो कि हमें मिले और हमें पता चले कि पेजेंट्स के साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा था वो ऐसे ऐसे करते थे या फिर उनके साथ स्टेट कैसा व्यवहार करती थी हमें नहीं मिला तो हमें कौन क्या चीज़ मिली है वी गॉट अ व्यू फ्रॉम द टॉप यानी कि जो सेंटर के रिकॉर्ड्स हैं जो ऊपर से जो राजा के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो उन्होंने लिखा दैट इज वट वट इज़ कॉल्ड अ व्यू फ्रॉम द टॉप मतलब जो ऊपर के जो लोग हैं उनका व्यू जो है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है दैट इज़ वट वी यूज स्पेसिफिकली राइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एन ए अकबरी अब इसके बारे में आप चैप्टर नाइन में भी पढ़ोगे चैप्टर एट में भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे मैं आपको रफ सा आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ क्योंकि हमें आगे जाके ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है एन ए अकबरी एक ऐसा क्रॉनिकल है क्रॉनिकल मैंने आपको चैप्टर नाइन में पढ़ाया था कि ऐसा डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड राइट तो ये एक ऐसा क्रॉनिकल है जो कि अबुल फजल ने लिखा है अबुल फजल एक वो कोर्ट हिस्टोरियन है जो कि अकबर के दरबार में था ठीक है जो कोर्ट में है और हिस्टोरियन भी है मतलब एक हिस्ट्री भी लिख रहा है कि ऐसा ऐसा होता था ऐसा ऐसा हो रहा है और उसके सोर्स से हमें पता आज पता चलता है कि मुग़ल एम्पायर में क्या क्या चल रहा है तो एन ए अकबरी एक बुक है जिसने कि हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जैसे कि अरेंजमेंट्स क्या क्या थी वट आर द अरेंजमेंट दैट इन्श्योर द कल्टिवेशन मुगल स्टेट ने क्या क्या किया था रिवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था वट आर द रेगूलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रूलर मैगनेट्स या फिर आप ज़मींदार बोल सकते हो यानी कि हमने ऐसा क्या एक सिस्टम बिछाया था मुगल एम्पायर में जिसके अकॉर्डिंगली हम रिवेन्यू को कलेक्ट कर पा रहे थे और जो स्टेट है वो ज़मींदार को ड्यूटी पे लगा पा रही थी कि आपको रिवेन्यू कलेक्ट करना है सारी चीज़ों को रखना है और कैसे स्टेट हेल्प कर रही थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कल्टीवेशन में ये सारी चीज़ें बताएगी एन ए अकबरी राइट एक बुक है उसके बाद एन ए अकबरी टेल्स यू अबाउट द विज़न ऑफ अकबर क्योंकि अकबर ने लिखवाई थी अपने एक कोर्ट हिस्टोरियन जिसका नाम था फजल तो अकबर की आइडियोलॉजी जो है वो इसमें बताई गई है कि कैसे अकबर वांटेड सोशल हार्मनी इन द सोसाइटी ठीक है एंड देर इज़ अ ड्रॉबैक ठीक है दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम टॉप यानी कि हम इसे बिल्कुल ऐसे सच मान के ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल सच होगा हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये उन्होंने लिखा है जिनका रूल चल रहा था और जिनका रूल चलता है वो ज़्यादातर अपनी खामियों के बारे में नहीं बताते बट स्टिल हम पढ़ेंगे कि कैसे एन ए अकबरी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स है हमारे अग्रेरियन रिलेशंस के बारे में जानने के लिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब हमें पता चलता है राइट right? तो अब उसके बाद और चीज़ें जो कि हमें हेल्प करती हैं इस पूरे स्पीयर को पढ़ने में दो ज़्यादा रिवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक है फ्राम राजस्थान फ्रॉम गुजरात एंड फ्रॉम महाराष्ट्र ठीक है राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र के कई रिवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि वट व कॉन्फ्लिक्ट एट दट टाइम और क्या क्या पेजेंट्स को चाहिए था एक्सपेक्टेशंस क्या थी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो आपने सोर्स के बारे में पढ़ लिया एन ए अकबरी के बारे में पढ़ लिया नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पेजेंट्स एंड लैंड्स सी दिस चैप्टर इज़ लॉन्ग आई अग्री पर देर इज़ अ माइंड सेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स एक माइंड सेट होगा बहुत लंबा है बहुत फैक्ट्स हैं ये वो एक माइंड सेट हो सकता है कि बहुत आसान है थोड़ा सा ही तो है है ना ऐसे करके माइंड सेट से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चैप्टर हो जाएगा देर आर टू वेज़ ऑफ डूइंग अ वर्क एक होता खुश हो कर लेना एक होता क्रिब करके करना तो आप थोड़ा सा ऐसे करें कि बहुत इजी है ठीक है कुछ लंबा नहीं है बहुत छोटा सा चैप्टर है आप जब इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने चैप्टर के अंदर घुसा दोगे तो क्या होगा कि इट विल बी मच मोर इजियर क्योंकि हमें पढ़ना तो है ही हम या तो खुश होकर पढ़ सकते हैं या फिर हम क्रिब करके दिस इज़ वट आई लर्न टू एक्चुअली क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि इतना ज़्यादा है ये वो तो देर आर टू वेज एंड सिलेक्ट द दैप्पियर वे राइट right? बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अच्छी तरीके से करना है सब कुछ तो हम खुश होकर करें दैट इज़ अ वेरी वेरी इजी वे टू डू इट तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे बहुत आराम से करेंगे और क्रिब नहीं करेंगे कि बहुत बड़ा है या मुश्किल है बिल्कुल आसान है ठीक है तो सेकेंड टॉपिक पर हम जा रहे हैं पेजेंट्स अंडर लैंड्स पेजेंट्स अंडर लैंड्स का क्या मतलब आ, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि एक पेजेंट के पास क्या अपनी प्रॉपर्टी होती थी और किस तरीके की प्रॉपर्टी होती थी उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे रिच पेजेंट्स के पास कितने लैंड होता था ठीक है एक मैक्सिमम लिमिट थी क्या कि इसके पास इतनी ज़मीन होगी तो हम इसे रिच पेजेंट बोल सकते हैं तो हम वही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो देर वॉज़ इंडिविजुअल ऑनरशिप अगर आपने चैप्टर नंबर फाइव पढ़ा हो उसके अंदर क्या था फ्रेंकोइस बर्नियर ने कहा कि यहाँ पर क्या है प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड नहीं है मुग़ल एम्पायर के अंदर पर ये वाला जो आपके पास टॉपिक है दैट शोज कि देर वॉज इंडिविजुअल ऑनरशिप यानी कि हर पेजेंट के पास या फिर हर इंसान के पास अपनी प्राइवेट जमीन होती थी ऐसा नहीं था कि सारी ज़मीन इन द मुगल एम्पायर जो है वो स्टेट की हुआ करती थी मुगल एम्पर की होती थी ऐसा नहीं होता था राइट right? तो फ्रेंड कॉइस बर्नियर का क्रिटिक यहाँ से आप थोड़ा बहुत उठा सकते हो इफ़ दैट चैप्टर इज़ देयर इन योर लेबस राइट right? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे कि इंडिविजुअल ओनरशिप थी यानी कि जैसे आज के टाइम में होता है ना कि एक फैमिली की अपनी अलग से ज़मीन होती है दूसरी फैमिली की अपनी अलग से होती है प्रॉपर्टी तो उस तरीके का ही सिस्टम था और जो पेजेंट्स हैं उनके आपको चार नाम बताए गए हैं आपको याद रखना है पेजेंट्स को रैयत भी बोलते थे मुजारियन बोलते थे किसान जैसे आज भी किसान बोलते हैं और असामी ठीक है रैयत मुजारियन किसान एंड असामी उस समय पे हम पेजेंट्स को बोलते थे राइट तो रैयत मुजारियन किसान एंड असामी दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर पेजेंट्स अब देखो दो चीजें हैं दो कॉन्सेप्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो आ, दो तरीके के पेजेंट्स होते थे एक होते थे खुद काश्ता और एक होते थे पाही काश्ता अब खुद काश्ता देखो खुद का मतलब है मैं खुद कर लूँगी ठीक है खुद मतलब कुछ अपने से रिलेटेड राइट तो ये वाले वो कल्टीवेटर्स होते थे जो कि अपने ही विलेज में जहाँ पे उनकी ज़मीन है जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे कल्टीवेशन करेंगे तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कल्टीवेटर यहीं पे रहते हैं ये मुजारियन यहीं पे रहते हैं और यहीं पे कल्टीवेशन जब करेगा तो उसे बोलेंगे खुद काश्ता राइट जिसका लिटरल मीनिंग है रेजिडेंट कल्टिवेटर जहाँ पे उसकी रेजिडेंस है वहीं पे वो कल्टिवेशन करेगा जो दूसरे टाइप का पेजेंट है दैट इज़ पाही काश्ता पाही काश्ता का क्या मतलब है देखो खुद काश्ता से उल्टा पाही काश्ता अब ये वाला जो इंडिविजुअल है वो इस वाले विलेज में रहता है पर कल्टीवेशन किसी और विलेज में करता है जाके ठीक है तो इसे क्या बोलेंगे नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर क्योंकि ये अपनी जहाँ पे जगह पे रहता है वहाँ पे ये कल्टीवेशन नहीं कर रहा है अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इट कैन बी बाय चॉइस ठीक है चॉइस से क्यों क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे विलेज में जो है रिवेन्यू की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत फेवरेबल हों कि कम रिवेन्यू देना पड़ता है या फिर वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं होती ऐसा वैसा तो दैट कैन बी थ्रू चॉइस या फिर दूसरा हो सकता है कंपल्शन मान लो इस जो ये मुजारेन है असामी है या फिर रैयत है इसके विलेज में कोई प्रॉब्लम है जैसे ही ड्रॉट आ गई है या फ्लड ज आ रखी हैं तो ये वाला जो कल्टिवेटर है जो किसान है ही डिसाइड्स टू कल्टिवेट इन अदर विलेज ठीक है जहाँ पे कंडीशन सही है तो वो क्या एक है एक कंपल्शन है ठीक है वो अपनी मर्जी से तो नहीं अपने विलेज में उसने ड्रॉट लेके आया वो तो देर आर टू वेज या तो वो चॉइस से पाही बनेगा या फिर वो कंपल्शन से बनेगा सेकेंड पॉइंट इज कि एक एवरेज पेजेंट के पास यानी कि एक एवरेज रैय के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता था एक पेयर ऑफ बुलक्स होता था यानी कि आ, वो ज़्यादा ऑन एन एवरेज अगर आप रूरल सोसाइटी को देखोगे बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हुआ करते थे उनके पास एज एन एसेट जो है सिर्फ एक बैलगाड़ी जैसे जैसे हल चलाने के लिए दो बलोकस हुआ करते थे राइट उसके बाद अगर आपको देखना है कि कौन बहुत रिच असामी होगा सबसे रिच असामी के अलग अलग मतलब क्राइटेरिया थे गुजरात के अंदर अगर आपके पास छः एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप एक रिच असामी हो बंगाल के अंदर अगर आपके पास पाँच एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप एक रिच रैयत मुजारिन किसान असामी हो तो आपको ये चार टर्म्स याद रहनी चाहिए ठीक है तो हमने मुगल एम्पायर के अंदर पेजेंट्स के बारे में पढ़ लिया नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इीगेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मुगल एम्पायर राइट सो हियर कम्स दो कॉलम एक होगा इरीगेशन के बारे में एक होगा टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये इरीगेशन के बारे में पढ़ा था ये टेक्नोलॉजी के बारे में इरीगेशन यानी कि सिंचाई ठीक है तो एग्रीकल्चर वॉज बेसिकली डन टू फीड पीपल ठीक है तो इस समय पे क्या था कि जहाँ पर भी देखो मानसून के ऊपर हम आज भी डिपेंड करते हैं मतलब रेनफॉल के ऊपर और तब भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे तो ये जो हम खाना जो उगा रहे हैं जो गेहूँ राइस व्हीट मिलेट ये सब कुछ उगा रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता था कितना पानी अवेलेबल है जैसे जहाँ पर भी 40 इंच से ज़्यादा अगर आपका पानी है इरिगेशन है वहां पर राइस उगाया जाता था ठीक है और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे हम वीट उगाने लगेंगे, और कम हो जाएगा तो मिलेट्स उगाने लगेंगे राइट तो प्रेसिपिटेशन जो है यानी कि रेनफॉल जो है या फिर आप बोल सकते हो मॉनसून जो है उसके ऊपर हम बहुत डिपेंड करते थे और सेकेंड पॉइंट एक तो हो गया इरिगेशन का कहां से सोर्स है एक तो ऊपर से पानी बरस रहा है वो है हमारा सोर्स सेकेंड सोर्स है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ़ इरीगेशन यानी कि हम जितना बरस रहा है पानी जितना प्रेसिपिटेशन है उतना सफिशेंट नहीं है हमारे इरीगेशन को पूरा मतलब फुलफिल करने के लिए कल्टिवेशन को करने के लिए तो वी नीडेड एडिशनल वाटर तब हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ इरीगेशन को अपनाया करते थे तो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ इंडिया के अंदर उस टाइम पर कैनाल्स हुआ करती थी जिसे कि नहर भी बोलते हैं अब कैनाल्स क्या होती हैं जैसे रिवर होती है ना रिवर में से थोड़ा सा पानी को डाइवर्ट करके एक बहुत नैरो सा आप जब एक आप पानी का वो बना दोगे ठीक है उसे कैनाल बोलते हैं नहर बोलते हैं और देयर आर एविडेंसेस कि हम लोग उस टाइम पर वी टू रिपेयर दो नहर उस टाइम पे जैसे कि एक एविडेंस है एक शाह नहर नाम से एक केनाल है पंजाब में हुआ करती थी जिसे कि रिपेयर करवाया था शाहजहान के टाइम पीरियड में तो शाहजहान और शाह नहर सेम सेम हो गया इजीली लर्न हो जाएगा तो आपको इसमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है मानसून के बारे में और आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे तीन है इसमें ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये बहुत पुराना समय है तो यहाँ पर कैटल एनर्जी को यूज़ किया जाता था यानी कि जैसे हल चलाना है तो इंसान नहीं चलाएगा कैटल की एनर्जी को यूज़ करेगा ठीक है बुलक जो है हमने अभी बात की थी वो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया वी यूज अ वुडन प्लाव यानी कि एक हल जो है वो लकड़ी का बनाया जाता था जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लकड़ी का हल है और इसकी टिप पे जो है थोड़ा सा आयरन लगाएंगे ठीक है ये पूरा आयरन का नहीं बनवाते थे क्यूं? क्यों क्योंकि जब आपका ये वुड का होगा और सिर्फ ये आयरन की होगी तो इससे क्या होगा कि जो आपका हल है जो आपका प्लाव है वो बहुत हल्का होगा वो ज़्यादा जमीन के अंदर तक जो है ऐसे ओवर टर्न नहीं करेगा जमीन को उससे क्या होगा कि आपका जो मॉइस्चर है सॉइल का वो ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा मतलब सनलाइट की वजह से उड़ नहीं जाएगा तो एक तो ये हो गया कि आप एक वुडन प्लाउ विद आयरन टेप यूज़ करते थे दूसरा है ड्रिल पुल्ड बाय ऑक्सन्स आपको जब भी सीड जो है वो आपको सो करने हैं आपको लगाने सीड ठीक है seed, अपनी फील्ड में तब एक तो एक ड्रिल का सिस्टम आया था पर ज़्यादातर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता था सीड्स तो को यानी कि जैसे स्कैटर कर देना आपको आपने हाथ में लिए सीड्स और ऐसे फैला दिए अपनी ठीक है ऐसे करके फैलाते गए सीड्स को आप अपनी फील्ड में तो एक ये तरीका होता था तीसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है एक होइंग यानी कि आपने एक ऐसा वुडन का हैंडल और आयरन का छोटा सा ब्लेड ऐसे करके आपको जो थोड़ी सी खुदाई करनी है अपनी फील्ड की वो यूज़ करते थे और वीडिंग करते थे यानी कि जो वीड्स हैं अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें हटाने के लिए नाउ कमिंग टू आर फोर्थ टॉपिक इतना हो गया हमारा अब हम पढ़ेंगे एन अबंडेंस ऑफ द क्रॉप यानी कि किस किस तरीके की क्रॉप्स जो हैं उस समय पर उगाई जाती थी राइट तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि काफ़ी बहुत अबंडेंस थी अबंडेंस मतलब तो बहुत ज़्यादा क्रॉप होना तो इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की गई है कि कैसे आपके एग्रीकल्चर की कॉन्सटेंट एक्सपेंशन हो सकती है नंबर वन है लैंड जब आपके पास ज़्यादा लैंड होगी जब आपके पास ज़्यादा लेबर हो जाएगी जब आपके पेजेंट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को राजी हैं ठीक है कि हाँ अगर पेजेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत है उस वाली फील्ड में तो इफ़ दे आर दे आर मोबाइल इनफ़, ठीक है तो आपका एग्रीकल्चर ज़्यादा होता जाएगा जैसे कि से समझते हैं कि बिहार में लेबर ज़्यादा है पंजाब में या फिर हरियाणा में अगर ज़रूरत है तो डैट मोबिलिटी ऑफ़ द पेजेंट्स और द मोबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द लेबर हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन हरियाणा एंड पंजाब एंड अदर एरियाज़ तो वो चीज़ क्या करती है हेल्प करती है तो so, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे थी मुग़ल एम्पायर में तो so, अब सबसे फर्स्ट बात करेंगे कि किस किस तरीके की वैरायटी होती थी हम क्या पूरे साल एक ही क्रॉप उगा के बस खुश रहते थे नहीं ऐसा नहीं था तो so, दो टाइप के सीज़न होते थे अभी भी होते हैं जैसे कि जिसके अंदर दो तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती है एक है खारिफ और एक है राबी देखो क्या वो आर एस टी होता है एबीसीडी सी डी में तो आर के बाद एस आता है तो राबी जो है वो वो टाइम पीरियड है जो स्प्रिंग में जब हम आ, वो करते हैं बीज लगाते हैं ठीक है और खारिफ स्प्रिंग से उल्टा क्या होता है ऑटम सीजन खारिफ जो है वो ऑटम में लगता है तो आप ऐसे याद रखोगे राबी आर के बाद आता है एस तो स्प्रिंग में आप बीज लगा रहे हो और खारिफ जो है वो ऑटम के अंदर हो जाएगा दो तरीके की क्रॉप्स हुआ करती थी ठीक है अब हम ये समझेंगे कि एक टर्म है दो फसला दो मीन्स टू फसला मीन्स फसल ठीक है फसल बोल सकते हो आप फसल यानी कि आपकी क्रॉप तो मोस्ट रीजन्स प्रोड्यूस्ड मिनिमम टू क्रॉप्स इसका मतलब है कि मुगल एम्पायर में ज़्यादातर एरियाज जो हैं वहाँ पे दो क्रॉप इन अ ईयर एनअली तो उगाई जाती थी राइट right? कुछ एक्सेप्शन्स थे इसमें जैसे कि जो एरिड एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती हैं जो इनहापिटेबल हैं यानी कि वो हो गया कि जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं है उन एरियाज में ऐसा नहीं हो पाता था कि दो फसल जो हैं वो लगा पाए हम बहुत ज़्यादा वेराइटी थी आगरा में थर्टी नाइन वेराइटीज़ थी क्रॉप्स की दिल्ली में 43 थ्री थी बंगाल में चावल देखो बंगाल में ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ पर जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा ही होते थे तो बंगाल के कई रिजन ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर पचास से भी ज़्यादा मतलब राइस की वेराइटीज़ जो हैं वो उगाई जाती थी मतलब आ, कहीं पे कोई वेराइटी कहीं पे पूरे ओवरऑल बंगाल के अंदर पचास से ज़्यादा राइस की वेराइटीज़ आपको मिल जाती थी उस समय पर अब यू हैव टू स्टडी अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ठीक है ये वन मार्कर में भी आ जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है मार्क्स में तो ये वर्ड है जिन्स ए कामिल ठीक है जिन्स ए कामिल यानी कि एक परफेक्ट क्रॉप है ये ठीक है आप इसे याद कैसे रखोगे कामिल में से सिर्फ कमी शब्द को ध्यान में रखो कि ऐसी क्रॉप जो कि आप अगर उगाने लग जाओ तो आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी इस तरीके से आप याद रख सकते हो जिन्स ए कामिल ऐसी क्रॉप है जिसका लिटरल मीनिंग है परफेक्ट क्रॉप अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ जिन्स ए कामिल तो आप लिखोगे दिस लिटरली इट रेफर्स टू अ परफेक्ट क्रॉप ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन शुगर केन ऑयल सीड मस्टर्ड लेंटिल्स ठीक है तो ये कमर्शियल क्रॉप्स हुआ करती थी एक्चुअल में जैसे जो आप बाहर बेच के ज़्यादा पैसे कमा सको ठीक है तो जो मुगल स्टेट थी वो जिन्स एक कामिल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती थी और ये प्रमोट इसलिए भी करती थी क्योंकि ये ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसके वजह से जो मुगल स्टेट है वो ज़्यादा रिवेन्यू कमा पाती थी ठीक है दिस इज दिस वॉज़ नॉट जस्ट फॉर सबसिस्टेंस ठीक है जो आ, ये जो पेजेंट्स जो हैं वो कल्टीवेशन सिर्फ अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए ही नहीं करते थे कल्टीवेशन बट ऑल्सो फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ठीक है ताकि वो बाहर बेच पाए तो जिन्स एक कामिल को आप याद रखोगे कि ऐसी भी क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाई जाती थी मुगल इंडिया के अंदर एग्जाम्पल्स याद रखेंगे कॉटन केन, मस्टर्ड सीड्स लेंटल्स एट्सट्रा तो एवरी थिंग इज ईजी यू कैन सी हियर। तो जो तीसरा आप जब भी आप बताओगे कि मुगल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स थी ठीक है एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस इंडिया था उस समय पर आप एक और चीज़ को ऐड कर सकते हो जैसे जो मेज़ है जिसे कि हम नॉर्मल भाषा में मक्का बोलते हैं वो अफ्रीका और स्पेन से आया हमारे इंडिया में ठीक है तो देर वर मैनी क्रॉप्स विच केम फ्रॉम आउटसाइड जैसे कि टमाटो पोटैटो चिल्ली पाइन ऐपल पपाया एट्सट्रा ठीक है ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो बाहर के वर्ल्ड ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी और जो ये मेज़ है वो सेवनटीन सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न इंडिया के अंदर एक बहुत मेजर क्रॉप बन चुकी थी यानी कि मेज़ जो है वो अभी नई नई आई सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर और सेवनटीन सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी इसकी इन द वेस्टर्न इंडिया राइट अब हमने कर लिया ख़त्म ये वाला टॉपिक अब हम सेकेंड मेजर टॉपिक पे जा रहे हैं दैट इज़ द विलेज कम्युनिटी विलेज कम्युनिटी के अंदर कौन कौन हुआ करते थे क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आप याद रखोगे इसके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं याद रखेंगे ठीक है सबसे पहले हैं कल्टिवेटर्स यानी कि पेजेंट्स जो कि खेती कर रहे हैं राइट right? दूसरा है पंचायत ठीक है तीसरे हैं पंचायत के विलेज हेडमैन ठीक है जो कि पंचायत के हेड हैं यानी कि विलेज के हेड हैं जिसे कि मंडल या मुकदम भी बोला जाता था ये इंपॉर्टेंट है मंडल बोलेंगे या तो जैसे वो बोलते हैं ना पंच जो है सरपंच जिसे आज के टर्म में बोलते हैं तो सरपंच उस टाइम पे क्या बोलते थे उसे मंडल बोलते थे या मुकदम बोलते थे तो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विलेज कम्युनिटी आपको समझ में आया अब हम मतलब सोसाइटी के बारे में एक्चल में अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं हमने अभी एग्रीकल्चर के बारे में कर लिया जो करना था अब हम विलेज की कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट आप इसमें पांच नहीं आप इसमें सिर्फ चार टॉपिक्स पढ़ोगे सबसे पहले कास्ट और द रूलर मिली ठीक है उसके बाद आपका पंचायत या हेडमैन के बारे में पढ़ेंगे हम पंचायत कैसे काम करती थी विलेज के अंदर जो आर्टिसंस थे यानी कि आपको जो आर्टिफैक्ट्स बनाया करते थे वो क्या क्या कर रहे थे अ लिटिल रिपब्लिक इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक जो कि विलेज कम्युनिटी के कास्ट के बारे में बात करेगा और रूलर मिलियू यानी कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हुआ करती थी उस टाइम पे एनवायरमेंट कैसा था तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे राइट right? तो अब देखो जैसे कि आज की सोसाइटी में होता है ऐसा कि इस्पेशली रूरल एरियाज़ में इट इज़ प्रेवलेंट फॉर शोर कि जो कास्ट है दैट लीड्स टू द लाइक कंसिडरेशन ऑफ योर सोशल स्टेटस आप कौन सी कास्ट में हो उससे सोशल स्टेटस पता चलेगा एक इंसान का और क्योंकि उस वो उस कास्ट में है तो उससे पता चलेगा वेदर दैट पर्सन इज़ लिविंग इन पॉवर्टी और नॉट ठीक है तो इस तरीके का जो सिस्टम था वो मुगल इंडिया के अंदर लोअर सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था टिक मैंने किया है पर इंटरमीडिएट लेवल्स यानी कि जैसे आज की जो मिडल क्लास है थोड़ा अबव मिडिल क्लास जो टाइम मतलब क्लास है हमारी वहाँ पर ऐसा थोड़ा नहीं हो रहा तो उसके एविडेंसेस बहुत कम मिले हैं कि कास्ट की वजह से आप मतलब पॉवर्टी में बस ऐसे नहीं कि डायरेक्टली अगर आप लोअर कास्ट में हो डायरेक्टली एम्प्लाइज कि आप एक बहुत बुरे कंडीशन में हो ठीक है ऐसा हो रहा था लोअर सेक्शंस में पर जो मिडिल क्लास है थोड़ा सा उससे ज़्यादा रिच लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा था कि उसकी कास्ट जो है वो प्रॉपरली ये नहीं शो कर रही थी कि क्योंकि वो अपर क्ला, का क्लास का इंसान है तो वो बिल्कुल ही रिच है ऐसा भी आपको एविडेंस मिलेंगे कि क्योंकि वो अपर क्लास है फिर भी उनका डिक्लाइन है जैसे सदगोप्स और केवर्ताज नाम के जो लोग हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के थे पर उनकी जो पेस्टोरल और फिशिंग कास्ट के लोग थे एक्चुअल में इंटरमीडिएट थे मतलब मिडिल क्लास टाइप्स पर इनका डिक्लाइन हमें दिखा ये पेजेंट स्टेटस में चले गए ठीक है जो अहीर्स गुजर्स एंड मालीज़ हैं इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं पर इनकी जो कैटल रियरिंग है हॉर्टिकल्चर है यानी कि वेजिटेबल वग़ैरह को उगाने का ठीक है फ्रूट्स वगैरह को उगाने का जो इनका वो था बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था इसकी वजह से ये क्या है इनका सोशल स्टेटस अच्छा हुआ ठीक है उसी तरीके से जो गौरव और वृंदावन जो कि यूपी में रहते थे ये गौरवास इन्हें राजपूत स्टेटस मिला मतलब एक जो इंटरमीडिएट का इंसान है या तो वो ऊपर जा सकता है कास्ट हायर में या फिर नीचे जा सकते हैं जैसे राजपूत हैं मारवाड़ रीजन के राजपूत हैं उनका स्टेटस लो हो गया एक्चुअली में ये इंटरमीडिएट लेवल के थे पर इन्हें पेजेंट्स का स्टेटस मिला तो यू कैन सी कि राजपूत गौरवाज़ आहिर गुज्जर मालिज और सदगोप्स और कैवरताज के एग्जाम्पल से कि कास्ट सीधा ये इम्प्लाई नहीं करेगी कि आप रिच हो या पुअर हो इंटरमीडिएट लेवल्स में देर वर डिफरेंट कंडीशंस पर ऐसा हो रहा था इन लोअर सेक्शंस सीधा आपको पता चलेगा कि लोअर सेक्शंस को देख के देर वर अलॉट ऑफ इनिक्वालिटीज़ ये जो लोअर सेक्शन हैं ये बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करता था और जो बहुत लैंडेड लीड्स का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था तो आप देख सकते हो इससे कि सोसाइटी कितनी हेट्रोजीनस थी इक्वालिटी नहीं थी उस सोसाइटी में फिर आप देखोगे कि मजूर वर्ड यूज़ किया गया है फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर ठीक है मजदूर आज के टाइम में करते हैं ना तो डी को काट के मजूर ठीक है जो एग्रीकल्चर में लेबर अपना वो करते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा मीनूल टास्क करते थे छोटे मोटे काम करने ठीक है और इनकी कंडीशन पोवर्टी में ही रहती थी बहुत कम रिसोर्स हुआ करते थे और ये जो लोअर सेक्शन है ये जो मजूर्स का सेक्शन है वो मतलब बहुत बड़ा प्रपोर्शन था सोसाइटी का ऐसे नहीं था कि थोड़े बहुत लोग जो हैं वो गरीब हैं ठीक है थीके, दो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको एक है हलाल खोरन और एक है मलाजादज हलाल खोरन का मतलब है स्केवेंजर्स वो लोग जो कि दूसरों की डिस्कार्डेड चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हैं ठीक है जैसे किसी ने यूज्ड क्लोथ दे दिए यूज्ड यूटेंसिल्स दे दिए हलाल खोरन ये वर्ड यूज़ किया गया एग्जाम्पल के तौर पे कि लोअर सेक्शंस कितनी बुरी कंडीशन थी मुगल इंडिया के अंदर ठीक है जो हलाल खोरन है ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मल्लाजादास जो हैं वो इसका लिटरल मीनिंग है सन ऑफ बोट्स मैन इनकी बहुत बुरी कंडीशन थी मल्लाजादास की और ये बिहार के रहने वाले लोग थे और बहुत लोअर सेक्शन से बिलोंग करते थे काफ़ी इनक्वालिटी को झेल रहे थे तो आपने जब भी कास्ट के बारे में बताने तो आपको दो कंडीशंस को उसमें शो करना है ठीक है मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करके आपको बता रही हूँ टॉपिक को ताकि आपको याद रहे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर ये आता है तो मुझे ऐसे ऐसे लिख देना है राइट अब हम पढ़ेंगे पंचायत के बारे में द विलेज कम्युनिटी का सेकेंड टॉपिक पंचायत अंदर हेड हेडमैन के बारे में जैसे आजकल टाइम में भी विलेजेस में पंचायत होती थी उस समय पे भी होती थी पर हम यहाँ पे देखेंगे कि आज की पंचायत जो है वो थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं काफ़ी इक्वालिटी प्रोवाइड करती है उस टाइम की क्या करेगी हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइट तो वो अलाउड टू बी अम्बर ऑफ़ पंचायत असेंब दिस वॉज असेंबली ऑफ़ एल्डर्स एक्चुअल में जो विलेज के बड़े बड़े जो वृद्ध लोग हैं समझदार लोग हैं वाइज लोग हैं उनका एक असेंबली है पंचायत ये एक की तरह काम करती थी यानी कि वेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्चुअली हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्स और डिसीजन मेकिंग पावर्स तब उसे ओलिगार्की बोलते हैं और औलीगार की तरह ये काम करते थे दीज व ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है जिनके पास काफ़ी कंट्रोल है विलेज की ईशूज़ uh, के बारे में अफेयर्स के बारे में और उसके बाद आपकी बुक बताती है आपको कि ये काफ़ी हैट्रोजिनस हुआ करते थे मतलब अलग अलग प्रकार के लोग थे अब ये एल्डर्स कौन है दीज आर द इम्पॉर्टेंट पीपल विद हेरिडिटरी राइट्स ओवर देअ प्रॉपर्टीज़ ठीक है अब आपने ये वर्ड मार्क कर लेना है कि प्रॉपर्टीज़ यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो ही पंचायत में तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि जो मीनियल एग्रीकल्चर लेबर है उसे ये मौका मिला मौका मिले मतलब टू बी अ पार्ट ऑफ पंचायत ऐसा नहीं हो रहा था राइट right? तो Uh, आपने पहले तो पढ़ लिया कि प्रॉपर्टी वाले लोगों को पार्ट बनाया जाता था दूसरा है मुकदम और मंडल जो कि मैंने आपको पहले भी बताया ही वॉज़ द विलेज हेडमैन ही वॉज चोजन थ्रू द कंसेंसस ऑफ विलेज एल्डर्स अब ये जो विलेज एल्डर्स हैं दीज व इंपॉर्टेंट पीपल जिनके पास हेरिडिटरी राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी के यानी कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ उस इंसान को प्रॉपर्टी मिल रही है वो आगे अपने सन को नहीं दे सकता ये वो लोग थे जो अपने आगे आगे जनरेशन्स में बांटते जाएंगे तो ये चूज़ किया जाता था थ्रू द विलेज एल्डर्स ठीक है कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे है ना और ज़मींदार जो है उस गांव का वो लीगली इस चीज़ को एक्नोलेज करता था कि हाँ ये वाला इंसान जो है वो मंडल बनेगा या फिर आप कह सकते हो मुकदम बनेगा राइट तो अब इसका फंक्शन क्या है मंडल क्या है कि आ, जो आपका मंडल है या विलेज हेडमैन है मुकदम है आप इसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ करो ताकि आपको दिमाग में रहे जैसे आपने पेजेंट्स का दो तीन शब्द देख लिए मुजारियन असामी किसान ऐसे करके ऐसे मुकदम और मंडल और हेडमैन को ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना अपने दिमाग में ताकि आपको याद रहे तो इसका फंक्शन हुआ करता था टू तो सुपरवाइज द प्रेपरेशन ऑफ विलेज के अकाउंट्स जितना भी किसके पास कितनी लैंड है कौन कितना रिवेन्यू दे रहा है ये जो है इसे इस काम में हेल्प मिलती थी बाय पटवारी पटवारी कौन है अकाउंटेंट ऑफ द पंचायत आज के टाइम पे भी पटवारी होता है पटवारी का काम क्या होता है कि ही नोज कि किसकी कितनी लैंड है किसकी क्या बाउंड्री है पूरे विलेज का एक मैप सा होता है उसके पास ठीक है तो ये जो पटवारी है या फिर आप कह सकते हो अकाउंटेंट ऑफ पंचायत जो कि पंचायत के सारे अकाउंट्स के काम करते हैं वो हेल्प करता था मुकदम को टू सुपरवाइज एंड टू मेक द प्रेपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट्स राइट बहुत सॉर्टेड आउट चैप्टर है ठीक है आपको जब ये सारे नोट्स ऐसे सीक्वेंस में मिल जाएंगे लर्न करने को बहुत ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पर आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है तो अब मुगल इंडिया के जो ये पंचायत से इन्हें पैसे कहाँ मिलते थे कहाँ से इन्हें फंडिंग भी तो मिलती है ठीक है कैसे मिलती थी सो देर वॉज अ कॉमन फाइनेंशियल पूल ठीक है देर वॉज अ कॉमन फाइनेंशियल पूल यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सब लोग जो है सारे इंडिविजुअल्स अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डालेंगे राइट तो ये जो कॉमन फाइनेंशियल पूल है यानी कि जहां पे मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू बहुत सारे जो विलेज के इंडिविजुअल्स हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होती थी ये वाले फंड्स कहाँ पे यूज होते थे फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलोमिटी हो गई विलेज के अंदर कोई ड्रॉट आ गई या कुछ हो गया तो विलेज को हेल्प कैसे प्रोवाइड करेगी पंचायत थ्रू दीज फंड्स ठीक है वेलफेयर एक्टिविटीज़ कब कराएगी जब नेचुरल कैलेमिटी होगी ऐसे नहीं कुछ कराएगी ठीक है अभी उसके बाद क्या है विजिटिंग दी रेवेन्यू ऑफिसर्स जो जो रिवेन्यू ऑफिसर्स मुगल स्टेट भेजती हैं तो उनकी जो खातिरदारी करनी है ठीक है उन्हें जो जो प्रोवाइड करना है तो वो उन फंड्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता था और फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल कोई इरिगेशन का सिस्टम बनवाना है कुछ कराना है तो वहाँ पे ये फंड्स यूज़ हो जाते थे उसके बाद जो आपका मुजा ये जो मुकदम है या मंडल है विलेज पंचायत है उसका दूसरा फंक्शन क्या है देखो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पंचायत वज़ टू अपहोल्ड द कास्ट बाउंड्रीज़ जैसे कि आपने सुना होगा कि इस कास्ट की आ, एक इंसान दूसरे कास्ट के अंदर शादी नहीं कर सकता बड़ी कास्ट का छो छोटी कास्ट के साथ कुछ ऐसी वाली आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करने का काम किसका था पंचायत का था ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा था कि देर वॉज अ कंपल्शन कि हर मैरिज में देर विल बी प्रेजेंस ऑफ मंडल मतलब जो सरपंच है आपका जो पंचायत का हेडमैन है विलेज का हेडमैन है वो हर शादी में आके देख के जाएगा कि ये चीज़ को अपहोल्ड किया जा रहा है सेम कास्ट में ही शादी हो रही है ना ऐसे तो नहीं हो रहा कि कोई बड़ी कास्ट का कोई इंसान छोटी कास्ट के साथ शादी कर रहा है मतलब ये चीज़ को अपहोल्ड करने का इनका मतलब देखो मेजर ड्यूटी देखो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये उनका उसके बाद देर वॉज़ देयर ड्यूटी टू ओवर सी द कंडक्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी सब अपनी अपनी लिमिट्स में रह रहे हैं ये देखना है टू तो प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट कि कोई हमारी कास्ट के अंदर कोई हमारी कास्ट की रेपुटेशन को ख़राब ना कर दे ये चीज़ देखने का काम ठीक है उनका था तो ये सब कुछ उनके फंक्शंस थे राइट right? उसके बाद देयर वॉज अ प्रोविज़न की जो पंचायत है दैट कैन इम्पोज फाइनज एंड दैट कैन गिव पनिशमेंट्स टू पीपल हु आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ठीक है तो अलग अलग तरीके की वो थी पनिशमेंट जैसे एक्सपल्जन फ्रॉम द कम्युनिटी जिसका मतलब ये है कि आप कम्युनिटी से बाहर निकाल रहे हो उसके बहुत सारे मीनिंग्स थे यानी कि बहुत सब कुछ हो जाएगा उस इंसान इंसान के साथ और ये रेयरली किया जाता था ठीक है uh, ये था कि उस इंसान को एक तो विलेज को छोड़ के जाना पड़ेगा वो इंसान आउटकास्ट हो जाएगा यानी कि जो उसकी कास्ट है वो उसकी कास्ट नहीं रहेगी और ये बहुत रेयर प्रोविज़न था वो जो वो काम करता था प्रोफेशन करता था वो अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ठीक है एंड दिस एक्सपल्शन फ्रॉम द कम्युनिटी वाला प्रोसेस वाज यूज्ड एज अ डेटरेंट यानी कि डेटरेंट का क्या मतलब होता है जैसे डराने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं ना उसे डेटरेंट बोलते हैं कि डेटरेंट टू वायलेशन ऑफ कास्ट नॉर्म्स अगर कोई भी इंसान कास्ट नॉर्म्स जो कास्ट की जितनी भी आ, वो है रूल्स हैं उन्हें अगर क्रॉस करने की कोशिश करेगा उस चीज के लिए ये जो प्रोविजन बनाया गया ताकि लोग डरें अरे नहीं ऐसा नहीं करना अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारे साथ कर दिया जाएगा राइट उसके बाद नेक्स्ट है आपका जाति पंचायत राइट जाति पंचायत क्या है आपके पंचायत टॉपिक के अंडर ही है ये सब कुछ कि हर कास्ट की हर जाति की अपनी एक अलग से जाति पंचायत हुआ करती थी राइट तो इसके अंदर क्या था कि ये जो जाति पंचायत है वो एक थोड़ा छोटा लेवल है ठीक है विलेज पंचायत का तो इसके अंदर सिविल डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व किए जाते जैसे राजस्थान के एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं कि जाति पंचायत जो हैं वो लैंड के इश्यूज को मैरिज के इश्यूज को इन सब को रिजॉल्व करती थी ठीक है तो सिविल डिस्प्यूट्स का मतलब जो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें उसको सॉल्व कर देना पर जो जाति पंचायत हैं दे डिडेंट हैव एनी एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इन क्रिमिनल जस्टिस ठीक है कभी भी मतलब कोई डिसीजन सुना भी दें तो इतना सीरियसली क्रिमिनल जस्टिस के उसमें नहीं लिया जाता था जाति पंचायत को उसके बाद आ, हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसके हिसाब से पंचायत के पास हमने बहुत सारी वो रिसीव की हैं पटिशन यानी कि रिक्वेस्ट रिसीव की हैं जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट से जिसे कि आप आर्काइवल रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हो मतलब कि बहुत सारे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम वो करते हैं ना एक जगह पे स्टोर करके रखें तो वैसे वाले रिकॉर्ड्स जो हैं राजस्थान और महाराष्ट्र के वो बताते हैं कि कैसे जो आपकी पंचायत है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स और कंप्लेंट्स रिसीव किया करती थी बिकॉज ऑफ एक्सटोशनेट टैक्सेशन मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स मांग लिए गए हैं किसी पेजेंट से या फिर डिमांड फॉर द अनपेड लेबर कोई किसी से बेगार बेगार यानी कि आप बिना पैसा दिए लोगों से फोर्सफुली काम कराते हो जब उसे बेगार बोलते हैं पी ई जी ए आर बेगार राइट right? तो आप देख सकते हो जितनी भी पटिशन हैं देवर अगेंस्ट द सुपीरियर कास्ट एंड दे आर मॉरली इलेजिटमेट डिमांड्स ठीक है जो बड़ी बड़ी कास्ट हैं वो अगर एक्सप्लोइटेशन कर रही हैं तो छोटी वाली कास्ट क्या करेगी uh, देखो मैं आई डोंट बिलीव कि कोई कास्ट छोटी या कोई कास्ट बड़ी होती है पर द लैंगेज यूज इन द बुक सेज लाइक दिस ठीक है क्योंकि कोई भी कास्ट को एक टर्म दे देना बड़ी कास्ट छोटी कास्ट दैट इन इट्सल्फ इज मॉरली इलेजिटमेट थिंग टू डू राइट तो आप इस चीज़ के बारे में सोचना कि जब भी आप अपनी वोकेबलरी को यूज़ करो तो आप किसी कास्ट को बड़ी कास्ट किसी क्लास को बैकवर्ड किसी को फॉरवर्ड ऐसे बोलोगे तो मतलब वो इन इट अगर आप कुछ अच्छा भी बोलना चाहते हो उनके बारे में कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए ये वो तो आपने उसे टर्म दे दिया है तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू बट इन योर बुक इट इज़ रिटन कि जो सुपीरियर कास्ट हैं ठीक है वो कई बार इलेजिटि डिमांड्स करती थी तो जो लेबर क्लास है वो अपनी पेटिशंस डाला करती थी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंचायत को एज अ कोर्ट ऑफ अपील यूज़ किया जाता था यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है भाई पंचायत के पास अपना इशू डाल दो अब वो सॉल्व होगा नहीं होगा वो अलग बात है राइट और एंडिंग में एज अ कंक्लूजन आप देखोगे कि कोर्ट ऑफ अपील थी पंचायत पर उसके डिसीजंस जो हैं वो वैरी करते रहते थे ठीक है आप समझ सकते हो उस टाइम पे ज़्यादा ये आइडियोलॉजी थी कि आ, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट का जो एक इंसान है उसने एक पटिशन डाली है अगेंस्ट द स्टेट ऑफिशियल या ज़मींदार तो आ, पंचायत कहती थी, थी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करा देती थी पर कई बार रिकॉन्सिलियेशन नहीं कराती थी तो फिर जो जो लोअर कास्ट है वो बहुत रेजिस्टेंस भी करते थे ठीक है तो आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है पेजेंट्स की वो कैसे की जाती थी तो आप ये बात समझो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़मीन थी अभी जितनी पॉपुलेशन तो थी नहीं बहुत कम पॉपुलेशन थी तो लेबर की सप्लाई काफ़ी कम थी पर लैंड बहुत ज़्यादा थी तो जो आपकी लोअर कास्ट या जो लेबर वाले लोग हैं उनके पास इतना राइट तो होता था कि वो उस ज़मीन को छोड़ के कहीं और काम करने चले जाएं, ठीक है तो इस तरीके की रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करते थे जब भी उनके अगेंस्ट जो है वो डिसीजन आता था ठीक है तो पंचायत में आपने फंडिंग के बारे में कास्ट बाउंड्रीज़ के बारे में जाति पंचायत के बारे में पटिशन के बारे में डिसीजनस के बारे में मुकदम के बारे में कौन कौन एलिजिबल था टू बी अ पार्ट ऑफ पंचायत ये सब कुछ पढ़ लिया आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो दो मिनट रुको उसके सब टॉपिक्स को एक बार देख लो तो दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी हैं ठीक है मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विलेज आर्टिसंस के बारे में विलेज आर्टिस्टन्स क्या, क्या कह रहे हैं कि द विलेज इलाबोरेट रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एक्सप्लेन जो भी आपकी कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक की फर्स्ट लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स कि आपके टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं वो तो सी वाले कोई ही मुश्किल से पूरे क्वेश्चन पेपर में एक दो ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जो कि थोड़ा सा हमें ज़्यादा सोचना पड़ जाता है अरे यार इसमें क्या लिखेंगे हम तो आई ट्राई टू मेक इट श्योर कि आप uh, हर पॉसिबिलिटी को कवर कर लो कि कैसे वो पूछ सकते हैं तो ये वाला टॉपिक जो है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कैसे अलग अलग आपकी कम्युनिटीज़ uh, थी ठीक है आर्टिसंस uh, की वो कैसे उनकी क्या क्या रिलेशनशिप थी विलेज के अंदर क्या क्या चल रहा था अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स थे जैसे कि एक हो गए एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एक हो गए आर्टिस जो कि आर्टिफैक्ट्स बनाया करते थे उनके बीच में क्या इलाबरेट uh, रिलेशनशिप थी उसके बारे में बताओ तो ये वाला टॉपिक उस बारे में बात करता है तो आप ये देखेंगे कि मराठी डॉक्यूमेंट्स कहीं कहते हैं uh, जो कि अर्ली ब्रिटिश रूल से uh, अपना ताल्लुक़ रखते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट जो विल, uh, विलेज के हाउस हैं घर हैं वो आर्टिसन वाला काम करते हैं यानी कि आर्टिफैक्ट्स बनाने का काम करते हैं तो कई तो आर्टिसन होते थे काफ़ी स्पेशलाइज्ड सर्विस देते थे जैसे ब्लैक स्मिथ का काम हो गया कारपेंटर का बार्बर का गोल्ड स्मिथ का पर कई ऐसे काम हुआ करते थे जो कि थोड़े फ्लूड नेचर के थे ठीक है ये तो होगी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अब आप ये बात समझो कि जो एग्रीकल्चर है आपको पता है एक सीजनल वर्किंग वो देता है आपको वर्क देता है मतलब आ, आपको जब हार्वेस्ट करनी है कटाई करनी है तब ज़्यादा काम होगा जब आपको बीजना है बीज को तब ज़्यादा काम होगा जब आपको पानी वानी देना है इरीगेशन का काम करवाना है तब ज़्यादा काम होगा अदरवाइज काफ़ी बीच बीच में टाइम पीरियड आते हैं जब कोई काम नहीं होता तो ये जो पेजेंट हैं दे यूज टू हैव अ फ्लूड रिलेशनशिप विद द आर्टिसन ठीक है विद द प्रोफेशन ऑफ आर्टिसन मतलब ये पेजेंट बीच बीच में कई बार डाइंग का काम करते थे फिर टेक्सटाइल प्रिंटिंग का काम कर लिया पॉटरी मेकिंग का काम कर लिया रिपेयरिंग का काम कर लिया एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो जो यूज़ होते थे जैसे आपने हो के बारे में पढ़ा ठीक है बाकी ड्रिल के बारे में पढ़ा जो कि सीड्स को ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प करती थी तो आप देख सकते हो कि प्रजेंट जो है कहीं टाइम पे प्रजेंट भी है कई टाइम पे वो आर्टिसन भी बन जाते हैं तो एक फ्लूड रिलेशनशिप आपको दिख रही है पर जो जैसे गोल्ड स्मिथ बारबर कारपेंटर ब्लैक स्मिथ ये थोड़े वैसे स्पेशलाइजेशन वाले काम है तो पेजेंट्स ज्यादा प्रेफर करते थे इन कामों को करना इंदर फ्री टाइम तो ये हो गया आपका कि ट्वेंटी परसेंट जो लोग हैं वो आर्टिसन वाले काम करते थे राइट अब इन्हें कंपनसेशन कैसे मिलती थी आर्टिसन को यानी कि मुगल इंडिया के अंदर जो जो लोग पोट्री का काम बारबर हैं कोई लोहार है कोई कारपेंटर है लकड़ी का काम करता हैं कोई सोना सोनार है, है ना ये सारे काम जो कर रहे हैं उन्हें कैसे कंपनसेशन कैसे मिलता था अब आप मान लो आपने कोई काम किया ठीक है विलेजर को आपने अपना काम अपनी सर्विस प्रोवाइड की कोई प्रोडक्ट बेचा जो भी आपने बनाया या तो विलेजर आपको अपने हार्वेस्ट का कुछ शेयर दे देगा ठीक है कुछ गेहूँ दे दी कुछ भी दे दिया या फिर वो अगर आपने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ कोई बेची है जैसे गोल्ड स्मिथ क्या करेगा महंगी चीज़ बेचेगा तो विलेजर क्या करेंगे दे विल अलॉट यू अ पीस ऑफ लैंड ठीक है जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एक ऐसा एविडेंस मिला कि आर्टिसन्स के पास एक हेरिडिटरी होल्डिंग हुआ करती थी यानी कि जो आर्टिफैक्ट बनाने वाले लोग हैं उनके पास एक लैंड हुआ करती थी जिसे मीरस या वतन बोला करते थे वेरी इंपॉर्टेंट टू तो लर्न मीरस या वतन बोला करते थे Uh, ये होती क्या थी कि ये वो लैंड है आर्टिसन की जो कि वो आगे आगे अपनी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र कर सकता है वो हेरिडिटरी होती थी होल्डिंग तो जब भी मीरस या वतन के बारे में आएगा तब आप कहोगे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी लैंड होल्डिंग्स पोजेस्ड बाय आर्टिसन्स जो कि उनकी हेरिडिट्री होल्डिंग हुआ करती थी ठीक है ये हो गया उसके बाद जजमानी सिस्टम है जजमानी का क्या मतलब है ये भी अ टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर दी का सिस्टम है यानी कि जो मान लो किसी ने सर्विस ली है से तो तो आपको रिटर्न में क्या होगा आपको रिटर्न में दे दिया जाएगा कुछ ग्रेन दे दिया या किसी और तरीके से आपको आ, आपकी सर्विस का वो कर दिया रिम्यूनरेशन मीन्स आप, आपने कॉम्पनसेशन कर दिया अपने जो भी आपने सर्विस या प्रोडक्ट लिया है तो जजमानी सिस्टम क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली जो लोअर क्लासेस हैं उन्हें किस तरीके से पैसा पैसा नहीं दिया जाता या तो आपको ग्रेन दे दिया या फिर आपको कोई और चीज़ दे दी इन रिटर्न ऑफ़ योर सर्विस और द गुड ठीक है तो जजमानी सिस्टम जो है वो प्रेविडेंट था मुग़ल इंडिया के अंदर तो आपने आर्टिस के बारे में पढ़ लिया फ्लूड नेचर कॉम्पनसेशन जजमानी सिस्टम ट्वेंटी फाइव परसेंट सब पढ़ लिया अब उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इस वाला जो टॉपिक है उसका लिटिल रिपब्लिक देखो लिटिल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है रिपब्लिक वो जगह है जहाँ पे लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर है किसी भी मुनार्च का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं चलेगा उस जगह पे। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजेंगे और वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो क्या विलेज एक रिपब्लिक थी मतलब क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी चीज़ या कुछ ऐसा था क्या तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली क्या होता था कि Uh, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड कॉइस बर्नियर ने भी ऐसे ही बोला था कि देर वर फ्रेटर्नल पार्टनर्स शेयरिंग द रिसोर्सेज ठीक है वो सारे भाइयों की तरह शेयर कर लेते थे, थे रिसोर्सेज कोई प्राइवेट ऑनरशिप नाम की चीज़ नहीं थी ऐसा वैसा ठीक है लेबर जो है वो सब कॉमन में करते थे फिर जो मिलता था वो भी कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कोई ग्रोथ नहीं थी ऐसा वैसा तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला पर ऐसा नहीं था ठीक है मैंने आपको बताया था देर वॉज इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड और उसकी वजह से डीप इनिकवालिटीज़ थी कास्ट के बेसिस पे भी जेंडर के बेसिस पे भी ठीक है एक एक्सप्लॉयटेड कास्ट थी और एक पावरफुल क्लास थी मतलब ऐसा नहीं था कि सब लोग इक्वल equal हैं इक्वली किसी ने आगे एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा एक रिपब्लिक बना ली ऐसा नहीं था देर वॉज अ कास्ट देर वॉज अ कैश नेक्सेस यानी कि एक कैश का नेटवर्क था रिवेन्यू कैश में देना लेना और जो आर्टिस हैं उनकी वेजेस भी कैश में चलनी शुरू हो गई थी कमर्शियल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें भी कैश में मिला कर दिया था तो इनिकवालिटीज़ वाला सिस्टम था हमने ये देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं था कि सब लोग इक्वल थे और कोई ग्रोथ नहीं थी मतलब ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि आ, सब कुछ कॉमन रिसोर्स थे सबके और क्योंकि कॉमन रिसोर्स थे तो कोई अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता था लैंड का या ऐसा ऐसा सिस्टम था तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी कोई ग्रोथ नहीं था मुगल इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा बोला था पर एक्चुअल में क्या था इंडिविजुअल ऑनरशिप थी जिसके अकॉर्डिंगली कहीं बहुत अमीर लोग थे कहीं बहुत गरीब लोग भी थे अब हम पढ़ने वाले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एट मार्क्स में आ जाता है कई बार जिसका नाम है विमेन इन अग्रेरियन सोसाइटी यानी कि हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल इंडिया के अंदर जो विमेन है उनकी क्या कंडीशन थी राइट तो जो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है फर्स्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर दो क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ थोड़े से मार्क्स के ही आएंगे ठीक है क्या पूछ सकते हैं कि क्या कोई जेंडर्ड सेग्रीगेशन ऑफ वर्क नहीं था उस समय पे मुगल सोसाइटी में यानी कि जैसे आपको पता है कि एक कॉमन कंसेप्शन होता लोगों का कि जो गर्ल्स हैं उनका ये वाला काम है जो बॉयज़ हैं वो यही वाले काम करते हैं क्या ऐसा था सेग्रीगेशन था वर्क का जेंडर के आधार पर सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन आपने दो ग्रुप्स में कामों को बांट दिया ये वाली फीमेल का काम है ये वाला मेल का काम है या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रूव दैट कि जो वेमेन है एंड द मैन दे यूज़ टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर इन द फील्ड मतलब दोनों का इक्वल काम हुआ करता था ऐसे नहीं है कि वेमेन जो है काफ़ी वीक काम जो काफ़ी मतलब जैसे होते ना कि फीबल लोग कर सकते हैं ऐसे वाले काम कर सकते थे नहीं आपका आंसर ये एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में है कि जो मैन हैं वो टाइलिंग एंड प्लोइंग करते थे जैसे हल चलाना ये सब कुछ और जो विमेन है दे यूज़ टू सो यानी कि बीज उगाना वीडिंग करना थ्रेशिंग करना विनोइंग करना थ्रेशिंग यानी कि जो स्टॉक्स होती हैं उसमें से जैसे बीज निकलता है पहले तो जैसे गेहूं का बीज चावल चावल निकले विनोइंग का मतलब जो हस्क रह जाती है आपकी जैसे चावल में थोड़ा बहुत ऐसे कचरा रह जाता है थोड़ा थोड़ा है ना हस्क बोलते हैं जिसको वो साइड में करना वो फीमेल्स का काम था राइट उसके बाद आप देखोगे कि इंडिविजुएटेड पेजेंट फार्मिंग थी मेडिवल इंडियन प्रोडक्शन जो होती थी उसमें क्या था हर पेजेंट के पास अपनी अपनी लैंड थी और क्योंकि हर के पास अपनी अपनी लैंड थी तो uh, सब लोगों को लेबर और रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने हुआ करते थे तो पूरा हाउस होल्ड जो पूरा घर है वो उसका लेबर यूज़ किया जाता था सो so दैट कि हम अपने लैंड पे सही से प्रोडक्शन कर पाएँ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फीमेल्स uh, हैं उन्हें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालना पड़ता था इन एग्रीकल्चर जिसकी वजह से देर वॉज नो जेंडर्ड सेग्रीगेशन ऑफ वर्क ठीक है कोई भी ऐसी सेग्रीगेशन नहीं था कि फ़ीमेल्स ये नहीं करेंगी ये ऐसा नहीं करेंगी वो नहीं कि उन्हें बाहर नहीं निकलना अंदर ही रहना ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था पर देर वॉज बायस रिलेटेड टू द वेमेंस बायोलॉजिकल फंक्शन ठीक है अब आपको ये पता होना चाहिए कि uh, जो फीमेल्स हैं दे गो थ्रू अ मंथली साइकिल ठीक है थ्री टू फाइव डेज कुछ होता है कि मैस्ट्रेशन होती है हर फीमेल को तो दैट इज़ यूजअली यूज टू बी कंसिडर अ वेरी नॉन पायस थिंग टू हैपन ठीक है तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस ठीक है जैसे आपकी बॉडी जो है वो कुछ अनवॉन्टिड चीज़ को जब रिलीज़ करना चाहती है ठीक है तो वो दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग अबाउट द बॉडी पर प्रीवियस इंडिया में देर वॉज अ कंसेप्शन की जो मैंस्योरेशन है आपको पढ़ना चाहिए यू शुड नो एवरी बॉय एवरी गर्ल शुड नो अबाउट इट कि ये सही नहीं है ठीक है ये पवित्र चीज़ नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है जो वीमेन की बायोलॉजिकल फंक्शन है वो मतलब कि उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था कि जब भी मैंसूरेशन कोई भी विमेन को मैंसूरेशन हो रही है तब वेस्टर्न इंडिया में क्या होता था कि वेमेन को आ, प्लाव को हल को और जो पोटर्स व्हील यानी कि जिस पे हम घड़े बनाते हैं वो व्हील को घुमा घुमा के उन्हें टच नहीं करना क्योंकि अभी वो पवित्र नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्शन बंगाल के अंदर क्या होता था जो बीटल लीव्स के ग्रूव्स हैं मतलब जो बाग हैं पान के पत्तों के ठीक है पान के जो पेड़ हैं जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पर नहीं जाने देंगे तो ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन था ये प्रीवियस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट था पर नाउ इट इज़ द थिंग्स आर चेंजिंग अलाउट ठीक है तो मैंसटेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शंस फॉर श्योर थे ऑन वीमेन उसके बाद आर्टिशनल uh, टास्क क्या क्या करती थी फीमेल लेबर दे यूज़ टू स्पिन यान यानी कि धागा बनाना सिफ्टिंग नीडिंग द क्ले फॉर द पोट्री यानी कि जैसे जो मिट्टी का वो जो बनाना पड़ता है ना डो बनाना पड़ता है फिर आप पोट्री बनाते हो वो वाला काम करना कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करना सिफ्टिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे छलनी होती है जैसे उसके अंदर मिट्टी पहले डाल के उसे छानना ठीक है ताकि वो मिट्टी का जो वो पाउडर पाउडर वाला सब्सटेंस है वो नीचे रहे और फिर उसके बाद नीडिंग करना यानी कि उसका डो बनाना अब कई जैसे कोई भी मान लो इनमें से कोई भी चीज़ काफ़ी कमर्शलाइज हो गई है हमारी सोसाइटी के अंदर मान लो एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस हो गई अगर मुग़ल इंडिया के अंदर तो वो एक कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट अगर बन जाता था कोई भी प्रोडक्ट तो उतनी ही फीमेल की लेबर की डिमांड बढ़ जाती थी ठीक है एंड उनका यही काम नहीं था दे ऑल्सो यूज टू गो टू द दाउसेज ऑफ द एम्प्लॉयर कोई काम करने जाना किसी के घर पे मार्केट में कोई काम था तो दे वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस राइट right. उसके बाद हम कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं जैसे मैंसूरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया मैंस्टूरेशन के बारे में अब हम अगला ड्रॉबैक पढ़ेंगे कि फ़ीमेल्स के साथ देखो आपने एक पॉजिटिव पढ़ लिया एग्रीकल्चर में सही काम चल रहा है फिर मैंस्टूरेशन के बारे में आपने पढ़ लिया कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी फिर आपने आर्टिसन वाले टास्क के बारे में पढ़ लिया कि सही था अब आप पढ़ोगे कि एक और ड्रॉबैक जो कि था अबाउट द चाइल्ड एज ए चाइल्ड बियोरर जो विमेन हैं उन्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है राइट right? अब होता क्या था कि जब जैसे बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट थी वूमेन की उस टाइम पे यानी कि डेथ जो होने का रेट है पर थाउजेंड वो बहुत ज्यादा था उस समय पे मुगल इंडिया के अंदर ठीक है तो आपको पता है कि उस समय पर जो वीमेन है उन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था सिर्फ एक लेबर का सोर्स नहीं थे वो बल्कि एज अ चाइल्ड बियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती थी पर अगर आप देखोगी उनकी इतनी डेथ होती क्यों थी नंबर वन माल न्यूट्रिशन मतलब खाना से इसे नहीं मिलना जिसकी वजह से जो बॉडी है वो वीक हो जाती है तो उसके बाद मतलब डेथ की सिचुएशन uh, क्रिएट हो जाती Uh, फिर उसके बाद देर वॉज फ्रीकवेंट प्रेगनेंसीज मतलब जब देखो एक बॉडी में से एक न्यू बॉडी बनती है है ना प्रेगनेंसी में तो हर बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है तो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज से क्या होती है जो मदर uh, की बॉडी है उससे कितना मतलब एनर्जी कितनी कितनी सारी चीज़ें वो होती हैं तो क्योंकि फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज उस टाइम पर बहुत प्रेवलेंट थी इसकी वजह से जो मदर की बॉडी है उसमें कुछ नहीं बचेगा राइट उसके बाद चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग क्योंकि उस टाइम पे इतना मेडिकली अवेयरनेस तो होती नहीं थी तो इसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के दौरान ही कई बार मदर्स की डेथ हो जाती थी तो ये मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था इसकी वजह से क्या हुआ देर वॉज शॉर्टेज ऑफ वाइव्स यानी कि फ़ीमेल्स की, uh, की काफ़ी कमी होने लगी मुग़ल इंडिया के अंदर तो इसी की वजह से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी इंडिया के अंदर देखो कुछ बुरा हुआ उसकी वजह से दो चीज़ें कुछ सही कह सकते हैं कि थी आ, देखो ये चीज़ फॉर श्योर क्योंकि कॉज गलत है तो उसका रिजल्ट अच्छा जा रहा है तो हम उस चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे कि क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा निकल रहा है तो हम कह देंगे कि ये बहुत सही हो रहा है बहुत सही हो रहा है क्योंकि कॉज ही बुरा है तो आगे जो भी होगा तो वो डिज़ायरेबल uh, नहीं होगा ऑफकोर्स सोसाइटी के अंदर ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल्स की डेथ हो रही थी उस समय पर इसकी वजह से देर वॉज शॉर्टेज ऑफ वाइव्स और इसकी वजह से री चाहे कोई किसी का डाइवोर्स हुआ हो चाहे किसी कोई विडो हो उसकी रीमैर मैरिज कर दी जाती थी क्योंकि फीमेल्स की कमी है ठीक है नंबर वन फिर उस समय पे पेजेंट सोसाइटी के अंदर आर्टिसन सोसाइटी के अंदर डाउरी नहीं मांगी जाती थी कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो आपको बहुत सारे पैसे जो है वो हस्बैंड की फैमिली को देना पड़ेगा पर उस समय पर क्या होता था ब्राइड प्राइस होता था अभी भी कई सोसाइटीज़ में दिस इज़ प्रेवलेंट ब्राइड प्राइस का मतलब ये है कि अगर आपको किसी की बेटी के साथ शादी करनी है यू हैव टू गिव मनी टू द वाइव फैमिली ठीक है ब्राइड का कुछ प्राइस है क्योंकि बहुत कमी है जिस चीज़ की उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है है ना इकोनॉमिक्स तो कुछ ऐसा चल रहा था उस समय पर तो आप देख सकते हो क्योंकि कॉज सही नहीं है तो रिजल्ट जैसा मर्जी निकले हम उससे ऐसे नहीं कह सकते कि रिजल्ट बड़ा अच्छा निकला है तो ये एक बुरी चीज़ हो रही थी उसके बाद देर वर स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स अब स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स का क्या मतलब है जो फीमेल्स हैं uh, उन्हें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता था क्योंकि जो हाउस होल्ड है वो तो मेल द्वारा हेड किया जा रहा है ठीक है और मेल तो ये नहीं चाहेगा कि फीमेल्स uh, की तरफ से इनफिडेलिटी हो यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड वेन यू वेन दैट पर्सन चीट्स दे एन अदर पर्सन उसे बोलते हैं इनफिडेलिटी राइट तो वो डिज़ायरेबल नहीं था मैरिज के अंदर क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहता था कि इनफिडेलिटी ना हो हमारे रिलेशनशिप में उसकी वजह से आप अपनी uh, हाउस होल्ड की वेमेन के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे ड्रिकॉनियन पनिशमेंट्स होती थी जो भी ये चीटिंग करता था ऐसी तो उसकी वजह से हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ठीक है अब ये इस डर से अगर आप किसी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहे हो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट थिंग टू डू है ना ये भी सही नहीं है चीटिंग ऑन समवन इज़ ऑल्सो नॉट राइट पर इस डर से कि कोई ऐसा ना कर दे आप इसलिए अपनी फैमिली में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इतने भयंकर रूल्स करके रख रहे हो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट अभी हमारे ये विमेन इन अग्रेवियन सोसाइटी के दो पॉइंट रह गए हैं पॉइंट नंबर सिक्स टेल्स यू अबाउट द पिटिशंस टू द विलेज पंचायत तो uh, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र से मेनली मिले हैं तो वो बताते हैं कि कैसे विलेज पंचायत के पास बहुत सारी पेटिशंस आती थी रिक्वेस्ट आती थी कंप्लेंट्स आती थी फर्स्ट नंबर था अबाउट द हस्बैंड्स इनफिडेलिटी, हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं ठीक है तो तो हस्बैंड को भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स में रखना चाहिए है ना तो मतलब आप देख सकते हो पेट्रियाल फैमिली uh, में हम सिर्फ एक uh, एक सेक्शन ऑफ द फैमिली के ऊपर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ कि विमेन ने कहीं विमेन ने आ, अपने हस्बैंड्स के खिलाफ पिटिशंस डाली विलेज पंचायत में एज आई हैव टोल्ड यू कि विलेज पंचायत जो है वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करती थी या फिर चीटिंग का केस है या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है या फिर जो वाइफ है उसे हस्बैंड जो है वो नेगलेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को अपने घर के चिल्ड्रन को नेगलेक्ट कर रहा है हाउस होल्ड को गृहस्थी बोला जाता था उस समय पर अब भी बोला जाता है ठीक है तो ये दो तरीके थे जिसके अकॉर्डिंगली विमेन ने कई पटिशंस जो है वो डाली थी दूसरा कि ये जो पटिशन है ना वो ऐसे किसी का नाम नहीं लिखा गया मतलब फीमेल्स की कोई एक्चुअल में आइडेंटिटी ऐसे नहीं थी उनकी आइडेंटिटी क्या थी वाइफ ऑफ राम सिस्टर ऑफ श्याम ऐसे करके बुलाते थे तो पिटिशन्स में भी ऐसे ही लिखा है इसकी बीवी इसकी सिस्टर इसकी डॉटर ठीक है तो हमें उनके एक्चुअल में नेम नहीं पता चले हैं वी गॉट टू नो अबाउट वाइफ ऑफ दिस सिस्टर ऑफ दिस इस तरीके से जैसे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स मस्ट नो अबाउट इट कि जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हुआ था ठीक है अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि uh, क्या उनके पास एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया ये भी पॉजिटिव है कि यू आर एबल टू actually deposit the petitions against the people who are doing wrong to you right uske uh, baad last point hai jo ki positive hai uh, ki inheritance ke bare mein property ko inherit karne ki kya right thi unke paas so there are many evidences ki uh, tha aisa ki jo रूलर लैंडेड जेंट्री है पंजाब के अंदर वहाँ से हमें कई evidences मिले हैं कि women ने property को बेचा है और हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी में से भी मिला है कई एविडेंसेस की जो ज़मींदारी है वो विमेन द्वारा इनहेरिट की गई उसने बेची भी उसने गिरवी रखी मतलब मॉडगेज की ठीक है इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल है राजशाही बंगाल ज़मींदार जैसे एक बंगाल की ज़मींदारी है का नाम था राजशाही जिसकी टॉप पे मतलब जिसकी ओनरशिप एक विमेन ने की थी बंगाल के अंदर राजशाही ज़मींदारी थी जिसका ओनरशिप विमेन के पास था तो अभी तक के लिए इतना ही आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो अब आप क्या करना सारी चीज़ों को एक बार देखना अच्छी तरीके से जैसे हमने विमेन वाले में क्या क्या पढ़ा है पिटिश के बारे में राइट टू तो इनहेरिट प्रॉपर्टी के बारे में चाइल्ड बियरर्स के बारे में मैंशन के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में आर्टिसन वर्क के बारे में ऐसे करके रुक के आइज क्लोज और एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो एक बार ये याद रह गया कि क्या क्या पढ़ा है, उसके नीचे तो हमें पता ही है क्या क्या लिखना है ना तो इट्स ईजी मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वन बाय